हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का सेवा विस्तार अगर रद्द नहीं हुआ तो एनएसयूआई विश्वविद्यालय सहित प्रदेश सरकार का घेराव करेगी। ये बात एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष तुषार स्थान ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुलपति की सेवा विस्तार किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। जब से उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभाला है तब से आज तक छात्र हितों को ही अनदेखी हुई है। तुषार ने कहा कि कुलपति बनाए जाने से पहले वे लगभग 2 वर्षों तक भाजपा के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे। कुलपति बनाए जाने के बाद एनएसयूआई ने इसका पुरजोर विरोध किया था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं उनका सेवा विस्तार किया जा रहा है, जिसका एनएसयूआई विरोध कर रही है, और उनका सेवा विस्तार रोकने के लिए हम जो है बड़े से बड़ा कदम उठाने को भी तैयार है। चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे जिस मर्जी का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुलपति महोदय जो है भाजपा के 2016 से 18 तक एससी सेल के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स कहते हैं वो कहते हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो आप पद पे नियुक्त हैं तो आप जो है विश्वविद्यालय का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते, जो कि एक असंवैधानिक रूप है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। और 2-4 मुद्दे स्टूडेंट इशू के थे। एचपीयू प्रशासन जो है, जब से ये कुलपति जी महोदय आए हैं तब से एचपीयू प्रशासन जो है पूरा डगमगा गया है। आप रिजल्ट को देख लिए जी, रिजल्ट बच्चों के आते हैं, कभी पास करवाते हैं कभी फेल करवाते हैं। आप फीस वृद्धि देख लिए, रीअपियर वालों की 5,000 रुपये कर दिए। आप जो है वो रीअसेसमेंट जो आप बोलते थे, भाजपा वाले बोलते थे या इनका जो छात्र संगठन है वो कहता था कि रूसा वैसा है रूसा तैसा है, जब से इन्होंने ईयरली सिस्टम किया और ज़्यादा जो है वो सिस्टम बिगाड़ दिया है। समय पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जब आप ईयरली सिस्टम जो है आप कर लेते हो तो ईयरली ही आपको रिजल्ट देना पड़ता है, ना कि बच्चों को बोलो कि आप पहले एडमिशन ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम रिजल्ट बाद में देंगे। तो ये जो है इनका फेलियर रहा है। एनएसयूआई इसकी घोर निंदा करती है। हम आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे भी उतरेंगे, कॉलेज में भी इसका जो है वो विरोध किया जाएगा, और हम सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं, जो रूसा सिस्टम वाले बच्चे हैं, चाहे वो 2016 15 17 18 बैच 17 वाले बैच वाले बच्चे हैं, उनके लिए रीअसेसमेंट पोर्टल जो है वो जल्द से जल्द खोला जाए, और जो वो जिनका असेसमेंट किन्हीं कारणवश नहीं लग पाई वो अपनी असेसमेंट लगवा सके। प्रदेश एनएसयूआई की जो कार्यकारिणी है, जिस प्रकार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर जी हैं उनके दिशा निर्देश होंगे, हमारे जो प्रभारी जी है गौरव तुशीर जी हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के, जैसे उनके दिशा निर्देश होंगे वैसे हम आपके सहयोग से वो करेंगे। और जो छात्र मुद्दे हैं इनको लेकर तो हम जो है वो कॉलेजेस में होंगे, चाहे अपना डीसी ऑफिस में इसका विरोध जो है करते रहेंगे और इस मांग उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल चलेगी और चलती भी आई है। आप देखेंगे इसमें हमीरपुर हो गया, शिमला हो गया, ऊना हो गया, सिरमौर हो गया, मैक्सिमम जो है जितने भी ज़िले हैं इस पर इसकी मांग उठी है, और आज हम सोलन में भी प्रेस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है उनको चेताना चाहते हैं कि आप जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, इसके परिणाम जो है अच्छे नहीं होंगे। एनएसयूआई जो है हमेशा आपकी गलत नीतियों के लिए जो है वो विरोध करती आएगी।